हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर एज द हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा हर्ट एंड सोल कहा गया है किसको? ये कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हर्ट एंड सोल कहा गया है। तो और ये कहा गया है इसलिए क्योंकि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं ये एम्पावर करता है सिटीजन को कि वो कोर्ट को मूव कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई डिनाई करता है, या फिर कोर्ट इशू कर सकता है वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड स्टैट्यूटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थ्री टायर ऑफ पंचायती राज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा थ्री टायर्स कौन कौन से बताए गए थे? तो ये हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ये तीन हैं, 1, 2 and 3। आंसर इज ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। आंसर इज बी। ये डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं है, बल्कि ये 86th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें 21A को जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। 21A को जोड़ा गया था, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, फ्रीडम ऑफ फ्री एजुकेशन एंड चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। Who was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council? पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था Viceroy के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को? तो 1909 प्रोवाइड करता है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है जो प्रोवाइड करता है एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ Viceroy's एंड गवर्नर्स। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो पहले इंडियन थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, और ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मिनिस्टर। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक अवे द एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया? कौन सा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी का ट्रेड राइट छीन लिया था? तो ये है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। आंसर इज सी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, और इसमें रिन्यू किया गया, इट रिन्यूड कंपनीज चार्टर फॉर 20 ईयर्स के लिए कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया, और इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। Who among the following is called the guardian of the public purse? Guardian of the public purse किसको कहा जाता है? तो ये हैं Controller and Auditor General of India। ये Constitution के Article 148 में दिया गया है। He is the head of the Indian Audit and Accounts Department and also the guardian of public purse। In which year उत्तरांचल वॉज रिनेम्ड एज उत्तराखंड? उत्तरांचल रिनेम हुआ उत्तराखंड किस ईयर में? तो ये 2007 में हुआ था। आंसर इज डी। उत्तरांचल बना था 27th स्टेट बना था उत्तरांचल। ओके, 27th स्टेट बना था और उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था, और इसका नाम 2007 में चेंज कर उत्तराखंड रख दिया गया। Apart from giving constitutional recognition to the municipalities, which amendment lays down that in every state two district planning committees shall be constituted? तो कौन से constitutional
कौन सा मतलब अमेंडमेंट हुआ था जिसमें म्यूनिसिपलिटीज़ को रिकॉग्निशन मिला, तो ये है 74th अमेंडमेंट, ओके 74th अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट पार्ट 9A जुड़ा, जिसमें म्यूनिसिपलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। हु कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन रिमूव कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑन अ रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट ऑन अ रेजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट, तो वो रिमूव होगा। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोजिशन बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ओके, और अब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी से ये रिमूव होते हैं। ऑन द पैटर्न ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज द पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन किसका पैटर्न हमने बोरो किया है, इसमें लगभग यही पूछ रहा है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये है इंग्लैंड का, आंसर इज बी, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंग्लैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।